नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो उसको कल के लिए मतलब 22 जनवरी 2019 के लिए 22 जनवरी 2020 के लिए मैंने स्टॉक सुना है मेरा बाइसन चैनल का कम स्क्रीनर में स्क्रीनिंग करके, तो उसका व्यू आप लोग को दिखाऊंगा। उसके बाद 100 डे ईमेज स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, इनसाइड द बाट NR4 NR7 स्ट्रैटेजी और कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन, कौन से स्टॉक्स में बना है वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ वो मिल जाएगा। और ये बाइसन लेवल और कैंडल्स ये सब स्ट्रैटेजी जो देता हूँ तो वो भी मोटिवेशन मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने के लिए मदद करेगा, और बहुत सारे स्ट्रैटेजी टेक्निक्स हैं जो आप लोग को बहुत ही मदद करेगा। और इसका जो बाइसन लेवल कम स्किनर है वो कैसे यूज़ करना है, कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करना है, और फिबोनाची लेवल स्ट्रैटेजी वो सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या उससे ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और बाइसन लेवल कम स्किनर है इसमें क्या क्या है और आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें बाइसन लेवल 1, 2 और 3 लेवल रहता है और बहुत सारा इंडिकेटर्स रहता है जो आप लोग को स्क्रीनिंग कर जो जिसमें आप लोग स्क्रीन कर सकते हैं। तो आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लीजिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा, क्योंकि इधर बोलूँगा तो वीडियो में का टाइम ख़त्म हो जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा नहीं पाऊँगा। तो देखिए मैंने बाइसन लेवल 1 पहले दिखाता हूँ, बाइसन लेवल 1 का बाई अब बाई का एंट्री लेकर 20 पर रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई का रुक रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाइना का रुक रहता है। और सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेकर 20 पर रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाई का रुक और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 डाइना का रुक। और इसमें गैप अप और गैप डाउन का आप लोग को कंसिडर कर लेना है। इसलिए मार्केट 13,000 इंडसइंड बैंक 1338.43 और 1342.12 का बीच में ओपन हुआ है, सोचिए जो 1340 में ओपन हुआ है। तो आप लोग पहले 1342 का देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग 1344 ऐसे देख सकते हैं, 1342 और 1344 के बीच में ओपन होगा तो 1344 क्रॉस होने के बाद आप लोग इस टारगेट के लिए देखना पड़ेगा। ऐसे करके आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें कैसे एंट्री लेना है मैंने चार्ट पे अच्छी तरह से समझने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो देखने से आप लोग को होपफुली समझ में आ जाएगा। तो ये है बाइसन लेवल 2, इसका भी आप लोग नोट कर सकते हैं, और इस पर आएगा बाइसन लेवल 3। ये बाइसन लेवल 3 है, इसका R1 मतलब बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है। और इसमें ये है स्टैंडर्ड पिवट फंड, इसका वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये बोलिंगर बैंड का अपर बैंड, लोअर बैंड, मेन बैंड, ये भी आप एंट्री लेवल हो सकता है। प्राइस चैनल जो इसका वैल्यू नोट कर सकते हैं, ये भी आप लोग का एंट्री पॉइंट हो सकता है। और टीडाउन लेवल, ये टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का आप लोग का एंट्री पॉइंट हो सकता है। बाय और सेल का मैंने इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिव्यू दिखाऊंगा, निफ्टी के बैंक निफ्टी फीचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों का ही है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ये इसका बाई लेवल 1, सेल लेवल 1, ये है बाई लेवल 1, सेल लेवल 2, और इसके बाद आएगा बाई सेल लेवल 3, ये है बाई सेल लेवल 3। और इसका भी स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी का और ही हेल्पफुल रहता है। बोलिंगर बैंड का वैल्यू नोट कर सकते हैं, प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकते हैं और टी बैंक लेवल का वैल्यू नोट कर सकते हैं। सभी में इंडेक्स का नहीं आता है क्योंकि इसमें
डाटा कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसीलिए सारे इंडेक्स का कुछ नहीं होता है। और ये कमोडिटी दिखाऊंगा, इसका बाईस लेवल वन या वैसे लेवल टू और ये वैसे लेवल थ्री स्टैंडर्ड पिवट फंड या मतलब कर सकते हैं ग्रीनवेल एंड पेंशन है और टिकाऊ जाएगा और भी टिका और कुछ बाकी रहेगा। वन टू थ्री थ्री और ये बुलिंगर बैंड ये प्राइस चैनल और टीम वगैरह क्या। इसके बाद मैंने कुछ फीचर्स का दिखा देता हूँ, मैं आप नोट कर सकते हैं। इसका ऐसे मैं मॉर्निंग दिखाऊंगा। इसके बाद मैंने 100 डे का स्ट्रेटेजी कौन सा कौन सा स्टॉक में फॉर्म हुआ है, 100 डे का स्ट्रेटेजी, 100 डे का स्ट्रेटेजी है कि जो जिस जिस कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज आज का कैंडल को मतलब आज का हाई लो को अंदर है काट किया है तो उसका जब हाई लो लेवल तोड़ेगा, आज का हाई लो लेवल जब तोड़ेगा तो मूवमेंट आएगा मतलब प्रॉफिट आ सकता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, अगर जो प्रेसिस को एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग रोज ही बोलता हूँ तो जो लोग नया देखते हैं तो उसमें सुविधा हो जाता है। इसका जो इधर साइड हमें तो वो हमें चाहिए है तो हम लोग भी देख सकते हैं, तो मैंने अगर मंगा है यहाँ पर भी पता हूँ। देखिए आज का कैंडल को ये जो काट किया है तो ये जिस कैंडल को काट करता है वो अच्छा मूवमेंट देता है। इसके बाद ये अदानी पोर्ट इधर अपोलो टायर इधर बेल ईपीसीएल ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। अब लोग मेरा पैसा भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना सकता है, इसमें आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा, रिटायर के लिए भी पीजी के लिए जाना सकता है। और इसके बाद मैंने इंसान दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और इंसान दबा एयरपोर्ट एन एस सेवन दिखाऊँगा। इसमें देखिए इंसान दबा एयरपोर्ट वन डे इंसान दबा वन डे का हिसाब से टू डे का हिसाब से एयरपोर्ट और एन एस एन एस सेवन और एयरपोर्ट है। इंसान दबा वन डे का मतलब जो अगले दिन का कैंडल का अंदर रह जाएगा, अगले दिन का कैंडल जो रह जाएगा और अगला दिन का कैंडल का जो हाई लो है ये तो करेंट डे का मतलब आज का है और ये जो अगला दिन का हाई लो तो रहेगा तो हॉस्पिटल का 1620 और 1659 जब तो रहेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, मिलता है। तो अपना हॉस्पिटल को आप लोग को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो आज का जो कैंडल है वो अगला दिन का कैंडल का अंदर रह गया मतलब हाई और लो का बीच में, अगला दिन का हाई और लो का बीच में रह गया तो ये कैंडल का जो पानी में थोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो ये क्या वन डे का हिसाब से और ये तो सोच लीजिए और ये अपोलो टायर है सॉरी अदानी पावर है छोटा उसका प्रीफर नहीं है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में देखिए वन डे का हिसाब से एयरपोर और एनआर सेवन का हिसाब से भी बना है तो बजाज ऑटो का एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर वन डे का हिसाब से भी वन डे का हिसाब से वाला है और एनआर फोर एनआर सेवन क्या होता है, एनआर फोर एनआर सेवन